इंडिया में बाइक्स और कार्स का क्रेज कितना है वो हम YouTube पर मोटो व्लॉगिंग से अंदाजा लगा सकते हैं, जिसमें एक्सपेंसिव बाइक और कार के साथ रेस लगाना आम बात हो गई है। लेकिन ये सब अवैध की कैटेगरी में आता है, क्योंकि कोई भी पुलिस वाला रडार स्पीड गन लिए अगले चौराहे पर चालान काटने के लिए जोश में रहता है, ताकि आप स्पीड में बाइक या कार न चला सके और एक्सीडेंट होने से बच सके। लेकिन मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बता सकता हूँ जहाँ सच में मोटो रेस होने वाली है, वो भी इंडिया में। जिसे आप लाइव और सामने से देख सकते हैं, सोच के देखो कितना रोमांचक लगेगा। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि MotoGP रेस का आयोजन भारत में पहली बार किया जा रहा है। इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है। ये रेसिंग चैंपियनशिप यानी इंडियन ऑयल ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में आगामी 22 सितंबर से शुरू होगी, जो कि 24 सितंबर तक 3 दिनों तक चलेगी। इस रेस में हिस्सा लेने वाली बाइक्स और सेफ्टी कार्स सर्किट पर पहुंच चुकी है। आइए देखते हैं, भरचंद मजा आएगा। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट BIC दुनिया के सबसे मशहूर रेसिंग ट्रैक में से एक है। यहां पर भारत का पहला Formula 1 रेस साल 2011 में आयोजित किया गया था। इस रेसिंग ट्रैक को हरमन टिलके द्वारा डिजाइन किया है। MotoGP रेसिंग की बात करें तो इसमें 8 राइट टर्न और 5 लेफ्ट टर्न है। यह सर्किट कुल 1.06 किलोमीटर लंबा है। कैसा है रेसिंग ट्रैक? BIC रेसिंग ट्रैक दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रैक्स में से एक है। MotoGP के लिए इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला हिस्सा डाउनहिल वाला है, जो रेसर्स को मैक्सिमम एक्सेलरेशन की सुविधा के लिए तैयार किया गया है, और दूसरा हिस्सा अपहिल वाला है, जो कि चालकों को स्पीड मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। घर बैठे कैसे देखें MotoGP? यदि आप इस रेसिंग चैंपियनशिप को घर बैठकर देखना चाहते हैं, तो इसके सीधे प्रसारण का भी लुत्फ उठा सकते हैं। प्रेस रिलीज के अनुसार इंडियन ऑयल ग्रैंड प्रिक्स का प्रसारण स्पोर्ट 18 और जियो सिनेमा पर किया जाएगा। ये दोनों इस आयोजन के लाइव स्ट्रीमिंग पार्टनर है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि ये प्रसारण दुनिया भर में 90 ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क कंपनियों की मदद से 195 देशों में 450 मिलियन घरों तक पहुंचेगा। कैसे बुक करें टिकट? MotoGP इंडिया को सर्किट से देखने के लिए आप बुक माई शो से टिकट खरीद सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये आयोजन 3 दिनों तक चलेगा और ये टिकट प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। इन टिकटों की कीमतें 800 रुपये से लेकर 1,80,000 रुपये तक के बीच है। अलग अलग पोडियम के हिसाब से टिकटों की कीमत को तय किया गया है। किस टिकट में क्या होगा खास? यदि आप 2,500 रुपये की कीमत वाला टिकट खरीदते हैं, तो आप सर्किट पर टर्न 1 से रेस देख सकेंगे। वहीं 6,000 रुपये के टिकट वाले दर्शक 1.06 किलोमीटर लंबे स्ट्रेट ट्रैक पर नजर रख सकेंगे। इसके अलावा MotoGP फैन जोन एरिया के टिकट की कीमत 15,000 रुपये तय की गई है। इसके अलावा मुख्य ग्रैंड स्टैंड टिकटों की कीमत 20,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये के बीच है। प्लैटिनम कॉरपोरेट बॉक्स के टिकट की कीमत 40,000 रुपये है, और फ्री फूड और ड्रिंक के साथ वातानुकूलित VIP विलेज लाउंज की कीमत 180,000 रुपये है। वेन्यू पर कैसे पहुंचे? जैसा कि हमने बताया कि MotoGP इंडिया का आयोजन बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित हो रहा है। यह ग्रेटर नोएडा में स्थित है। जिनके पास अपना वाहन नहीं है, वे शटल बसों और कैब सेवाओं से कार्यक्रम स्थल तक पहुंच सकते हैं। इन्हें भी बुक माई शो पर बुक किया जा सकता है। इसके अलावा पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन इसके लिए कोई टोकन व्यवस्था नहीं की गई है। जो पहले पहुंचेगा उसे पहले जगह मिलेगी। हालांकि पार्किंग के लिए आपको शुल्क देना होगा। ध्यान रखें कि 24 सितंबर को सुबह 11:10 पर वार्म अप रेस शुरू होगा। इसके बाद 11:30 से लेकर 12:05 तक राइट फैन परेड किया जाएगा। 17 लैप वाली Moto3 रेस 12:30 से लेकर 1:05 के बीच आयोजित होगी। इसके बाद 19 लैप वाली Moto2 रेस 1:45 से लेकर 2:25 के बीच होगी। सबसे आखिरी में 24 लैप वाली MotoGP रेस शाम 3:30 से लेकर 4:20 तक होगी। इंडियन ऑयल MotoGP इंडिया का टाइटल स्पॉन्सरर है। इसके अलावा KTM इंडिया, डुकाटी इंडिया, होंडा रेसिंग इंडिया, यामाहा मोटर इंडिया और अप्रिलिया इंडिया जैसे दिग्गज इंजन और मिशेलिन टायर की सप्लाई कर रहा है। MotoGP इंडिया का शेड्यूल कुछ इस प्रकार है।